जी सर बताइए आज की पत्रकार वार्ता का जो जो किया है किस उद्देश्य से और क्या भेजा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरे साथ हमारे भाई मंजीत सिंह जसरोटिया जी जो प्रदेश के को इंचार्ज हैं सोशल मीडिया के, मेरे साथ इस कठुआ जिला के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट दशंत जंडियाल जी, उनके साथ हमारे मीडिया सेक्रेटरी पंकज राजा जी और मेरे हमारे बड़े भाई दविंदर शर्मा जी जो हमारे जिला के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य यह है कि 18 को जो गुलाम नबी आजाद जी जो दयालाचक में आए थे वहाँ पर उन्होंने रैली को संबोधित कर रहे थे, उस रैली में डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जिन्होंने हमारे विकास पुरुष डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए थे वो सब बेबुनियाद एलिगेशन लगाए थे। उन्होंने पहले कहा कि माइनिंग में जो पार्टनर हैं, टोल प्लाजा में ये पार्टनर हैं, और जो उन्होंने डीसी उधमपुर से एक आर्डर करवाया था कि गाड़ियों का जो है वो आवाजाही वहाँ से हो क्योंकि ठंडी कोई में वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सके। ये तीनों के तीनों एलिगेशन जो डॉक्टर साहब के ऊपर लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, और हम ये बात कहना चाहते हैं कि जितनी डिवेलपमेंट डॉक्टर साहब ने करवाई है ये लोग ओछी राजनीति करने के लिए ऐसे झूठे एलिगेशन लगाते हैं। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो आप उसको भाई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से तो बताओ कि ऐसी कोई बात है। आप ओछी राजनीति के लिए सिर्फ एक एलिगेशन लगा देंगे इसने ऐसा किया, आप एलिगेशन किसके ऊपर लगा रहे हो ये बात तो पहले सोचो। वो इंसान जो केंद्र में बैठा हुआ है और वहाँ से इतने डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं वो, उनके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हो सिर्फ टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट्स इनके लिए, ये तो आपका तो इतिहास है आप ऐसी बातें करते हो। मैं कड़े शब्दों से निंदा करता हूँ कि ऐसे कार्य जो आपने किया है इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे जो आप बयान दे रहे हो और डॉक्टर साहब के ऊपर जो बयान दिया उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमने एक लीगल नोटिस डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को दिया है कि उन्होंने पता नहीं अपने जो जोश में अपने होश खो दिए, ऐसा बयान दिया। हम लीगल नोटिस उनको भेज रहे हैं कि इसके माध्यम से हमने उनको बोल दिया है कि 7 दिनों का हमने उनको वक्त दिया है, 7 दिनों में वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें और मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिया है मीडिया में ही जाकर डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगे, और डॉक्टर साहब से जो माफ़ी मांगेंगे क्योंकि जो उन्होंने डॉक्टर साहब की इमेज को जो इंजोर करने के लिए पूरी पब्लिक में इंजोर करने की कोशिश की है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी 7 दिनों के अंदर वो माफ़ी मांगें डॉक्टर साहब से, और हम सबसे माफ़ी मांगें कि ऐसा बयान उन्होंने गलती से दे दिया है। अगर वो नहीं मानते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद भुगतेंगे, और हम जो लीगल कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई है चाहे वो क्रिमिनल होगी चाहे वो सिविल होगी जो भी होगी हम उसको करेंगे, और उसके उससे हम कोई भी उसके बात नहीं करेंगे। जय हिंद जय भारत। जी सर बताएंगे आपके पत्रकार। धन्यवाद प्रेस के कार्यकर्ता जी, आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोहर लाल डॉक्टर मनोहर लाल जो कि एक माने हुए लीडर हैं अपने एरिया के, उन्होंने 18 तारीख कुछ शब्द डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के खिलाफ बोले हैं जो के कड़े शब्दों में निंदा के भागीदार हैं। हम ये चाहते हैं कि जो शब्द उन्होंने बोले हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ठंडी खुई में टोल प्लाजा में, लखनपुर टोल प्लाजा में, या जो डेवलपमेंट हो रही है उनमें उनका कोई हिस्सा है या पार्टनरशिप है, ये जो बयान उन्होंने अनकंडीशनल किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बिना, किसी भी कोई ऐसा प्रूफ उनके पास नहीं है, तो उन्होंने गलत अपनी वो इमेज को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी छवि को इंक्रीज करने के लिए उनके खिलाफ बोले हैं। ये हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और अनकंडीशनल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अनकंडीशनल वो माफ़ी मांगे जो उन्होंने शब्द बोले हैं। धन्यवाद जी सर बताएंगे। अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक तो थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम साढ़े एक निके जे शनेह बड़े शॉर्ट टाइम पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आई है। टैक्निकली तो मेरे साथी हैं जो कि एडवोकेट उन्होंने दसी उड़िया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहदे लई है, लेकिन अस ये चीज़ा एक ऐसे नेता कोला एक्सपैक्ट नहीं करते
जेड़ा जेड़ा एडमिनिस्ट्रेशन च भी रहेगा जेड़ा मंत्री भी रहेगा और उस बंदे ने बिना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हाँ उसके को कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है पुट अप करे ना अस उसी अज डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने एक कानूनी नोटिस दिता है यदा 7 दिन के अंदर जवाब देना जो उनके को प्रूफ है तो प्रूफ लिया नहीं है प्रूफ उनके को तो फिर वो अनकंडीशनल माफ़ी मांगन जी मीडिया सामने उन्हें बोलिया जी माफ़ी मांगन उन्हें बोलिया कि जी डॉक्टर साहब का ये टोल प्लाजा जिस है तुहाडे कोल कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो पेश करो ना उसी दसो कुत्थे टोल प्लाजा जिसा तुसें आखिया जी माइनिंग च भी लुटिया खाई उड़िया केड़ा खाई उड़िया तुहाडे कोल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वह भी दसो उन्हें आखिया जी इन्हें कि डीसी कठुआ की आखी है जी मानसर रोड पर श्रीनगर की गड्डिया जांदियां वह सारिया उधरा कढ़ाई लिया ठंडी हुई वाली साइड कड़ी के रेवन्यू इकट्ठा हो तुहाडे कोल उहदा कोई प्रूफ है कि डॉक्टर साहब ने फोन किया या डॉक्टर साहब ने कोई लैटर लिखा डीसी कठुआ उधमपुर की ये सारे बेबुनियाद जिहड़े आरोप उन्हें लाए इन्हें आरोपे की अस कभी भी बर्दाश्त नहीं करके अज अस लीगल नोटिस उन्हें भेजा जो थोड़े सामने लीगल नोटिस है ये अज अस उन्हें भेजा है कि 7 दिन के अंदर अंदर यदा जवाब दिता जाए नहीं तो अगर थोड़े कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो तुम डॉक्यूमेंट दो वो प्रूफ दो सू नहीं तो अनकंडीशनल जिंया तुम गल् आखिया इं तुम इन्हें गलें वापस लाओ डॉक्टर साहब डॉक्टर जतेंद्र सिंह होर एक विकास पुरश ने साढ़े इतों चुनिया गए ने साढ़े सांसद ने साढ़े मंत्री ने साढ़े जम्मू कश्मीर की शान ने उन्हें इन्ने सारे काम डिवेलपमेंट के कराई उड़े तुहाड़ी सरकार रही तुम बड़े गुण गा रहे साड़ी सरकार ने यह किया साड़ी सरकार ने किया तुहाड़ी सरकार ने एक कीड़िया गड़ियाल पुल 70 सालों का तो बनाया नहीं तुहाड़ी सरकार ने तरना का पुल तो बनाया नहीं तरना नाले का पुल तो बनाया नहीं तुहाड़ी सरकार ने पंडोरी का पुल तो बनाया नहीं तुहाड़ी सरकार ने गरीबें की आवास योजना के तहत कभी मकान नहीं दते अज तुम शहर जाओ घटोल घट भी कठुए शहर च बड़े भी घट्ट बने उदो 2-2 हज़ार गरीबे लोगों के मकान बने तुहाड़ी सरकार सुती थी उस वेलै गरीब नहीं लभे घर घर शौचालय देते तुहाड़ी सरकार सुती थी कैसी पार्टी है कैसे कार्यकर्ता है तुहाड़ा एक बड़ा नेता दिल्ली आता दौरे पर तो तुहाड़े कार्यकर्ता अपने उदे पर अस्तीफे दे देते अपने पोस्टे पर पहले तो यह दसो तुहाड़ी कांग्रेस है कि गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस है कि उहदी कांग्रेस है मीर साहब की जिहड़ा कार्यकर्ता अपने स्टेट प्रधान की इज्जत नहीं करता आदा मीर शीर नहीं चलनगे और तू किहड़ा कार्यकर्ता तो किहड़ी तेरी तंजीम वो कुत्थे पढ़ी आया हा कुन पढ़ाया दी मीर शीर नहीं चलनगे जिहड़ा अपने स्टेट प्रधान की इज्जत नहीं करी सकदा उहनू कोई दी इज्जत रखनी जिन्ना अपने बब्बा की अपने दादे की इज्जत नहीं की तो दूए कोला की एक्सपैक्ट करना एक किता असें मैडिकल कॉलेज दिते दिखे नहीं अस भी इत्थे रोंदे हे अस इत्थे जम्मे पले अज साड़ी 50-50 साल उम्र होदी असें नहीं देखे पहले असें नहीं जिहड़े काम अज होआ दे असें पहले नहीं देखे कल तुहानू पता होना कल एक नितिन गडकरी ने अप्रूवल दिता है नैशनल हाईवे दे 4 रोड जिहड़े कि बड़ी हाई स्पीड कन्नै बनने ने जिहड़ा एक कठुआ बसोली बनी भद्रवाह टोडा NH 44 दूआ है डोडा भद्रवाह चंबा हिमाचल ए NH 15 154 ए उहदे बाद दयाले जख शलां बिलावर मानपुर बसोली बारामूला एक ए रोड बना दा एक तवी ब्रिज जम्मू एयरपोर्ट मीरा साहब RSपुरा इंडो पाक बार्डर ओल्ड जम्मू सियालकोट ए सेंक्शन होया ए कौन कीता आखो भी उत्थे बैठे दे साढ़े दिल्ली बैठे दे साढ़े आजाद साहब ने कीता ठीक है आजाद साहब 2.25 साल चीफ मिनिस्टर ये किते हुण काम चीफ मिनिस्टर ये काम नहीं करना तो चीफ मिनिस्टर कहदे वास्ते बनाना होने कोई भी चीफ मिनिस्टर है कोई भी हैड ऑफ द स्टेट है तो काम करने वास्ते बनाना उसी कोई ताकड़े ही बढ़ा लाउंदा उत्थे उह तो कोई नहीं बढ़ा उसी देखो जी तुहानू पचा दी नहीं है तुहानू लोकां दी पचा दी नहीं है तुस यार बिलावर शलें दी मंत्री रहिंदे तो रोड ते बनवाई नहीं सके ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਲਗੀ ਬਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆ ਗਈਆਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਮੈਨੂੰ ਗਣਾਈਏ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਜ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਕੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਕੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ 'ਚ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਅਖਨੂਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ 4 ਲਾਈਨ ਹੋਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ 70 ਸਾਲ ਕੁਸੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਨਗਰ ਬਣਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਲਿਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ
अस नहीं आखने के एहसान किया, अस कम करने वास्ते के आए दे हैं इत्थे। साड़ी पार्टी बायोटेक पार्क बनया, हाईवे विले बनया, किन्नी 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 डिवेलपमेंट होवा दी है, लेकिन डिवेलपमेंट करा ने कुसै पर सहार नहीं करा, कम करा ने, अस कम करने वास्ते चुने गए, साढ़े नुमाइंदे गए न, और डटिया कम करा दे न, वो विकास पुरश न, अस उंदी छवि पर आँच नहीं आन देंगे। जे डॉक्टर साहब ने यह अपने एलीगेशन वापस नहीं ले तो फिर जो भी कॉन्सीक्वेंसिज होंगे लीगल कॉन्सीक्वेंसिज होंगे भुगतने तैयार। जय हिंद, जय भारत।